आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्या? बॉन्डिंग। तो बॉन्डिंग पढ़ने से पहले हम सबसे पहले पढ़ते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो डालो भैया स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का बेसिस क्या है और कैसे बनी? तो जब हम डिफरेंट लिगेंड्स को कॉम्प्लेक्स में यूज करते हैं तो लिगेंड की स्ट्रेंथ अलग अलग होती है और वो अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग वेवलेंथ को अब्जॉर्ब करते हैं। जो लिगेंड सबसे लोएस्ट वेवलेंथ को अब्जॉर्ब करे वो सबसे स्ट्रांग लिगेंड है और जो मैक्सिमम करे वो सबसे वीक लिगेंड। अब स्ट्रॉन्ग लिगेंड का पता कैसे लगे? तो जिन लिगेंड्स में बैकेंड पी ऑर्बिटल होती है या बैकेंड ऑर्बिटल होती है तो वो वापस से एक पाई बॉन्ड और बना लेते हैं जिसको हम कहते हैं सिनर्जिक बॉन्डिंग। तो जिस भी लिगेंड में एक्चुअल में लिगेंड होता है जो लॉन पेयर दे तो अब वो हमसे एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछेगा कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या होता है जो इजिली लॉन पेयर डोनेट करे। एक नंबर दो, जो वापिस से पाई बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन ले मेटल से। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड लिगेंड तो वो होता है जो लॉन पेयर दे, तो सारे ही लिगेंड लॉन पेयर दे रहे हैं। अब स्ट्रॉन्ग वो होगा जो मेटल से वापिस से इलेक्ट्रॉन ले भी। तो जहां पे लिखा होगा जो फर्स्ट लॉन पेयर सिग्मा बॉन्ड से दे और फिर बैकेंड ऑर्बिटल में ले, ऐसे लिगेंड को स्ट्रॉन्ग लिगेंड। तो जब हमने डिफरेंट कॉम्प्लेक्स की स्टडी करी तो जो सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड आया वो था सीओ, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड से थोड़ा सा बीकर होता है सीएन और सीएन से थोड़ा बीकर होता है एनओ टू और एनओ टू से थोड़ा सा बीकर होगा ईएन और ईएन से थोड़ा सा बीकर होगा अमोनिया और अमोनिया से थोड़ा सा बीकर होगा पी बाई और पी बाई से थोड़ा सा बीकर होगा एनसीएस। और एनसीएस से थोड़ा सा बीकर है एच टू। नॉर्मली जब मैं बॉन्डिंग समझाता हूं तो एच टू से जो भी लिगेंड आता है मैं उसको कमजोर मानकर काम करता हूं। ऐसा कोई क्लियर कट डिमार्केशन नहीं है कि वीक है, फिर भी अगर हम यहाँ से वीक मान लें तो प्रॉब्लम करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। और इसके बाद आता है ऑक्सलेट और ऑक्सलेट के बाद में OH, ऑक्सलेट के बाद में OH। यहाँ पर NCS के बाद में H2 और एक क्वेश्चन है जो आ सकता है और H2O के बाद में OH के बाद में फ्लोरीन और फ्लोरीन के बाद में NO3 माइनस और NO3 माइनस के बाद में Cl और Cl के बाद में HCl और HCl के बाद में सल्फाइड और सल्फाइड के बाद ब्रोमाइड और ब्रोमाइड के बाद में आयोडाइड। तो ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का ऑर्डर है। तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड ये है और जो सबसे वीकेस्ट लिगेंड है वो ये। तो यहाँ पर इस स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को देखकर जो क्वेश्चन बनता है वो पहला क्वेश्चन यहाँ बनता है, H2O पे नेगेटिव चार्ज नहीं है लेकिन OH पे नेगेटिव चार्ज है। अब वो पूछेगा स्ट्रॉन्गर कौन है, लेकिन नेगेटिव चार्ज देखकर लगेगा कि ये जल्दी से लॉन पेयर देगा। तो H2O स्ट्रॉन्गर है और OH माइनस वीकर है, तो ये लिमिटेशन ऑफ CFT है। तो क्वेश्चन लिख लो बाय H2O, नहीं लिमिटेशन ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी CFT, आप डायरेक्ट लिख लो लिमिटेशन ऑफ CFT। ये CFT की पहली लिमिटेशन है कि बाय H2O
इज स्ट्रॉन्गर लिगेंड देन ओएच माइनस फील्ड थ्योरी. अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड थ्योरी लिगेंड्स आर पॉइंट चार्ज. क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अनुसार लिगेंड पॉइंट आवेश माने जाते हैं. तो जहां नेगेटिव होगा वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर होना चाहिए और जहां न्यूट्रल है वो वीक होना चाहिए, पर होता है उल्टा. तो ये सीएफटी की लिमिटेशन है जिसको हम लिगेंड फील्ड थ्योरी से एक्सप्लेन करते हैं. और लिगेंड फील्ड थ्योरी नॉर्मल छोटी क्लासों में नहीं. अकॉर्डिंग टू सीएफटी ओएच शुड बी स्ट्रॉन्ग. ओएच स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. अब बताओ इन लिगेंड में से कौन मिनिमम वेवलेंथ एब्जॉर्ब करेगा. जो मिनिमम वेवलेंथ एब्जॉर्ब करेगा और आयोडीन मैक्सिमम वेवलेंथ एब्जॉर्ब करेगा. या फिर क्वेश्चन ऐसे आता है कि इनमें से कौन मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब करेगा. तो जो मिनिमम एब्जॉर्ब करेगा वही मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी करेगा. कहीं पर लिख लो सीओ एब्जॉर्ब मिनिमम वेवलेंथ एंड मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी. और जो आई माइनस है वो मैक्सिमम वेवलेंथ और मिनिमम फ्रीक्वेंसी. इसके बेसिस पर एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन ये है. NiNH3 6 plus 2 NiH2O 6 plus 2. ये NCERT का MCQ क्वेश्चन है. या ऑर्डर बनाओ, इनमें से कौन सा कॉम्प्लेक्स मैक्सिमम वेवलेंथ को ऑब्जर्व करे. मैक्सिमम या मिनिमम कोई भी बता सकते हो. तो मैक्सिमम करेगा H2 और मिनिमम NO2. तो क्या इसका आंसर 2 > 1 > 3 इज राइट. नो, दिस इज एब्सोल्यूट रॉन्ग. ये कह रहा है 2 ज्यादा करेगा. नहीं, 2 तो लोअर वेवलेंथ करेगा. सर, तो क्या इसका आंसर ये हो जाएगा. हाँ सर, वेवलेंथ पूछ रहे हो या फ्रीक्वेंसी पूछ रहे हो आप? दोनों ही पूछ सकते हैं. जो सैंपल पेपर में क्वेश्चन है उसमें फ्रीक्वेंसी पूछी हुई है और जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया उसमें वेवलेंथ. अब ये सही है, ऊपर वाला फ्रीक्वेंसी का है और नीचे वाला वेवलेंथ का. पर वहां आप ऐसे ऑर्डर में भी डूब आने के बाद भी आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो सकता है इन एरो की वजह से. क्लियर है? तो इसको कॉपी कर. तो हम इस क्वेश्चन को कॉपी कर लेंगे जिसके आने के चांस बहुत. इसके आने के चांस बहुत ज्यादा है. नीट में और जेई में ये क्वेश्चन आ चुका है तो अब तुम्हारे एमसीक्यू पे आने की तैयारी है. तो अगर आप चाहते हो बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड में या राजस्थान बोर्ड में या किसी भी बोर्ड में आप अच्छे मार्क्स 100 मार्क्स लाना चाहते हो तो ये ऑर्डर या ये कंसेप्ट आपको आना ही चाहिए. तो हमने स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पूरी कर ली.